वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड आर सेफ एट होम। सो आज का वीडियो होने वाला है व्हाट यू शुड कीप इन योर बैग अगर आप ऑफिस या फिर कॉलेज जा रहे हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड। मेक श्योर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब के पास एक बेल बटन होगा उसको भी हिट किया है सो दैट आने वाले ऐसे वीडियोज के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। आगे जाके वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर लेना। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ऑलराइट गाइस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपके बैग में एक सैनिटरी नैपकिन होना चाहिए। वी गर्ल्स नो कभी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए एटलीस्ट मेडिकल शॉप तक जाने तक या फिर किसी को हेल्प मांगने तक आपके बैग में एक सैनिटरी नैपकिन डेफिनेटली होना चाहिए। सेकंड, आपके पास एक वॉलेट होना चाहिए, उसमें आपका डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड और उसमें आपके पास थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला इफ इन केस अगर आपको कहीं इमरजेंसी के सिचुएशन में कुछ लेना पड़े और आपके पास कैश नहीं हो तो आप डेफिनेटली कि डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, लेकिन कोई कोई जगह कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं होता तो उस केस में आपके पास थोड़े बहुत पैसे डेफिनेटली होना चाहिए। एटलीस्ट आप घर रिटर्न करने के टाइम पे ऑटो या फिर कैब नहीं लेते हैं कार्ड या फिर ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते हैं तो आपके पास कैश डेफिनेटली होना चाहिए। नेक्स्ट, आजकल की सिचुएशन को देख के आपके पास होना चाहिए एक स्पेयर मास्क। अगर आप डिस्पोजेबल मास्क प्रिफर करते हो यू कैन गो फॉर दैट। मैं जनरली कॉटन मास्क यूज करना प्रिफर करती हूँ तो आपके पास एक दो मास्क एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि मास्क खो जाते हैं जल्दी, लेकिन एक्स्ट्रा मास्क अगर नहीं होगा बहुत जगह पे आपको फाइन भरना पड़ेगा, आपके हेल्थ के लिए भी वो प्रॉब्लम है, इसलिए मास्क रहना आपके पास एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। तो मास्क के साथ साथ मैं बात कर रही हूँ सैनिटाइजर की, तो मेरे पास दो सैनिटाइजर बोतल है। मैं जनरली स्प्रे सैनिटाइजर बोतल लेना यूज करना प्रिफर करती हूँ, क्योंकि आपको पीसेफ लेना एक्स्ट्रा जरूरत नहीं होता, आप कहीं पे भी स्प्रे करके आराम से बैठ सकते हो, यूज कर सकते हो, हाथ साफ कर सकते हो, स्प्रे सैनिटाइजर बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट, आपके पास होना चाहिए आपका पावर बैंक, देन आपका हेडफोन। अगर आप आपका चार्जर भी लेके खड़े हुए हो लेकिन आपको चार्जिंग पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है तो उस चार्जर का कुछ काम नहीं है, इसीलिए फुली चार्ज्ड पावर बैंक आपके पास होना चाहिए सो दैट आपके घर वाले भी परेशान नहीं होंगे अगर आपका फोन का बैटरी डाउन है, आप आराम से इससे चार्ज कर सकते हो। और अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे हो और आप गाना सुनना प्रिफर करते हो, किसी को वेट कर रहे हो, तो डायरेक्टली फोन पे से डायरेक्टली बात करने से बेटर है आप हेडफोन यूज कर लो, सो दैट आपका भी फोन सेफ रहेगा और आपका जो नजर है वो सबके तरफ अटेंटिव रहेंगे। नेक्स्ट, आपके पास होना चाहिए एक छोटा सा मेकअप पाउच, क्योंकि ये बहुत नेसेसरी होता है अगर आपको कहीं जाना है बाहर इमीडिएटली ऑफिस के बाद या फिर कॉलेज के बाद, आपको थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखना होता है क्योंकि दिन भर काम करते करते या पढ़ते पढ़ते हम थक जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा प्रेजेंटेबल के लिए आपके पास एक नेसेसरी इमरजेंसी किट होना चाहिए। तो उसमें क्या क्या है मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपके पास एक फेस वॉश होना चाहिए आपको फ्रेश दिखाने के लिए, देन उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर एक रखना चाहिए, देन आपको कॉम्पैक्ट रखना चाहिए क्योंकि बीबी क्रीम सीसी क्रीम ये झंझट हम नहीं कर सकते उस सिचुएशन में, और अच्छा खासा एक कॉम्पैक्ट रख लो, उसमें थोड़ा बहुत आपको कवरेज मिल जाएगा। और मैं जनरली थिन आईब्रो पर्सन हूँ इसलिए मुझे आईब्रो कैरी करना पड़ता है, अगर आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आप डेफिनेटली आप स्किप कर सकते हो। और आपको रखना चाहिए लिपस्टिक्स, अगर आप डे मीटिंग या फिर कोई जनरल मीटिंग के लिए जाते हो देन आपको न्यूड लिपस्टिक्स रखना चाहिए, या फिर अगर आप ऑफिस या फिर कॉलेज के बाद डिनर पार्टी या फिर जनरल पार्टीज के लिए जाते हो देन आपको बोल्ड लिपस्टिक रख लेना चाहिए। तो ये मेबेलिन के जो पाउच लिपस्टिक है ना वो बहुत अच्छा रहता है इस टाइप के पाउच में रखने के लिए। देन आपके पास होना चाहिए एक काजल, देन उसके बाद अगर आपको लिप बाम लगाना पसंद है आप लिप बाम भी आराम से रख सकते हो रीअप्लाई करने के लिए। मेरे केस में मैं बोरोलिन रखती हूँ क्योंकि छोटे मोटे कट्स या फिर ऊंस के लिए या फिर लिप्स को स्मूदन बनाने के लिए बोरोलिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आप बिल्कुल भी मेकअप पर्सन नहीं हो देन आपको डेफिनेटली कॉम्ब एक रखना चाहिए, इन जनरल भी आपको एक कोम्ब आपके बैग में रखना चाहिए क्योंकि कहीं आपको प्रेजेंटेबल दिखना है, आपको थोड़ा सा कोम्ब करके आप थोड़ा प्रेजेंटेबल दिख सकते हो, इसलिए कोम्ब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपके पास हैंडकरचीफ होना चाहिए क्योंकि इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, हैंडकरचीफ एक होना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज मैं दिखाने वाली हूँ वो बहुत रैंडम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास होना चाहिए कुछ रबर बैंड्स, क्योंकि रबर बैंड बीच बीच में खोते जाते हैं और हमें रबर बैंड्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए बैग में आपके पास एटलीस्ट दो रबर बैंड होने चाहिए, देन एक छोटू सा क्लचर, देन आपके पास होने चाहिए थोड़े बहुत पिंस, पिंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देन मेरे केस में मैं बन बनाना प्रिफर करती हूँ तो मैं इस टाइप का स्टिक रखती हूँ सो दैट बन बना के उसको टक करने के लिए हेल्प होता है। नेक्स्ट जो चीज के बारे में मैं बताने जा रही हूँ वो है परफ्यूम, आपके पास एक छोटू सा परफ्यूम होना चाहिए, आजकल छोटे मोटे पॉकेट साइज के परफ्यूम्स भी आने लगे हैं, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि स्मेलिंग गुड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप जिसके पास जाते हो वहां आप एक इंप्रेशन छोड़ के जाते हो, अगर आप अच्छा
या फिर बुरा स्मेल करते हो, इसीलिए आप आपके पल्स पॉइंट्स पे आप परफ्यूम अप्लाई करके कहीं जा सकते हो एंड ये बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन क्रिएट करता है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ऑलराइट गाइस, लास्ट थिंग, आपके पास डेफिनेटली कुछ इस टाइप के पाइज या फिर केक्स होने चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस से क्या होता है, हम बाहर नहीं जा पाते और भूख बहुत तेज लगती है एंड भूख लगने से मूड स्विंग्स डेफिनेटली होते हैं। आप कोई भी काम या फिर पढ़ाई करते हो उस पर फोकस्ड नहीं हो पाते हो एंड बाहर के फ्राइज या फिर चिप्स खाने से बेटर है आपके पास खाने के लिए कुछ मंचीज या फिर कुछ बिस्किट्स डेफिनेटली होना चाहिए। ऑलराइट गाइस, दैट इज इट। ये सारे के सारे चीज आपके बैग में डेफिनेटली होना चाहिए अगर आप रोज घर से बाहर जाते हो 10 से 12 घंटे के लिए। सो या अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर कर लेना एंड सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया है तो। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।